सड़क किनारे लगा मील का पत्थर तो आपने देखा ही होगा, जिस पर किसी विशिष्ट स्थान की दूरी व उसका नाम लिखा होता है। सड़क पर ट्रैवल करते हुए आपको अलग अलग रंग का माइलस्टोन किनारे लगे हुए दिखाई दिए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सड़क के किनारे नारंगी, पीला, काला, नीला और हरी पट्टी वाले माइलस्टोन क्यों लगाए जाते हैं? आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है। आपको बता दें कि भारत में कुल 58 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है, जिसमें ग्रामीण सड़क, राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेस में शामिल है। इन सभी सड़कों पर सरकार जानकारी रखने के लिए अलग अलग रंग के माइलस्टोन लगाती है, जिससे लोगों को यात्रा के दौरान पता रहे कि आखिर वह ग्रामीण सड़क पर चल रहे हैं या एक्सप्रेस पर। आइए जानते हर माइलस्टोन का रंग क्या करता है। नारंगी रंग का माइलस्टोन, अगर आपको सड़क के किनारे नारंगी रंग का माइलस्टोन दिखे तो समझ लीजिए कि आप गांव में हैं या ग्रामीण सड़क पर चल रहे हैं। बता दें देश में 3,93,000 ग्रामीण सड़क का नेटवर्क है, जिनसे देश को के सभी ग्राम शहरों से जुड़ते हैं। पीले रंग का माइलस्टोन, इस रंग के माइलस्टोन नेशनल हाईवे पर लगाए जाते हैं। अगर आपको सड़क के किनारे पीली पट्टी वाले माइलस्टोन मिले तो आप समझ लीजिए कि आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। बता दें 2020 तक देश में कुल 151,019 किमी के नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा चुका है। काले और नीले माइलस्टोन, सड़क के किनारे काला या नीला माइलस्टोन दिखने का मतलब है कि आप किसी बड़े शहर या ज़िले में आ गए हैं। आपको बता दें देश में 5,61,940 किमी शहरी सड़क नेटवर्क है। हरे रंग का माइलस्टोन, इस तरह के माइलस्टोन राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हाईवे या राज्य हाईवे पर लगाए जाते हैं। इस तरह के हाईवे एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश काल में नागपुर में 0 मील केंद्र स्थापित किया गया था। यहाँ से सभी बड़े शहरों की दूरी की गणना की जाती है।